हंड्रेड स्टूडियो को किस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपन एंड्रॉइड स्टूडियो। पहली साइट पे जाएंगे, पहली साइट पे ओपन हो जाने के बाद यहाँ से अपन डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो जेलीफिश वर्जन चल रहा है अभी, तो यहाँ पे जाएंगे, अग्री कर देंगे और डाउनलोड कर देंगे। ये आपका सेटअप डाउनलोड होने लगेगा। 1.1 GB क्या आएगा सेटअप। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको कुछ ये मिल जाएगा, आपको सेटअप नाम मिल जाएगा आपको 1.1 GB का। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे करेंगे अपन नेक्स्ट, यहाँ पे फिर अपन नेक्स्ट करेंगे, फिर से अपन चूज़ कर सकते हैं अपनी लोकेशन या फिर अपन जो लोकेशन बताइए उसी को कर दें, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दिया। ये फिनिश हो गया तो अपन नेक्स्ट कर देंगे इसको, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िगर डिक्शनरी कहेगा, अपने ओल्ड डिक्शनरी है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, वरना आपको कर सकते हैं। ये ओके हो जाने के बाद आप जिसमें जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। आप अपन स्टैंडर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं अपन। ये सारे स्टैंडर्ड पैकेजेस हैं टूल्स और ये सारे प्लेटफॉर्म टूल्स आ जाएगा आपको, ये सब आ जाएंगे। आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से। SDK प्लेटफॉर्म 114 के लिए, एग्जाम वर्चुअल मशीन और नेक्स्ट। यहाँ से आप एग्जाम को कितनी जो इमुलेटर चलते हैं उसके लिए कितनी रैम एलोकेट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट कर देंगे, ये आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नीचे रीड करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सब पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को, और इस पे और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। अब ये काफ़ी टाइम लगाएगा, ये अराउंड पैकेज होता है 7 to 8 GB का, तो उस हिसाब से इसमें टाइम लगेगा। ओके सर, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। अब ये कुछ कुछ बता रहा है, जैसे हाइपरविजन ड्राइवर हो गया है, इसको वो डालना पड़ेगा और एक्सेंट को डालना पड़ेगा। एक्सेंट को देखते हैं अपन, पहले इसको अपन कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर गूगल क्रोम पे जाएंगे और इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ये क्या बोलता है अपन देखेंगे उस हिसाब से। यहाँ पे गए अपन, देख लिया अपन ने एग्जाम नंबर, फोटो रिलीज, रिलीज पे गए। यहाँ पे विंडोज के लिए अपन ने चूज किया, यहाँ पे अपन ने इसको ओपन किया, एग्जाम को रखा यहाँ पे और इसको ओपन कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलर आ गया है, इसके बाद ओपन कर देंगे, यस करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। कैन नॉट बी इंस्टॉल हाउएवर इस ओके, बायोस से ऑन करना पड़ेगा ये, बाकी और कुछ नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं, हाइपरविजन ड्राइवर फेल टू इंस्टॉल एंड्रॉइड एमुलेटर, हाइपरविजन ड्राइवर फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अपन यहाँ पे जाते हैं हाइपरविजन पे, यहाँ पे पैकेजेस मिल रहा है, यहाँ से उठा लेंगे अपन इस पैकेज को, इसको भी करेंगे अपन, आ जाएगा ये, अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपन। इसका लिंक इंस्टॉल कर देते हैं,
रिप्लेस कर देते हैं, होना चाहिए, हो गया होगा। अब हाइपरविजन कहाँ पे आता है, ये टर्न ऑन फीचर्स में भी आता है, वो भी ऑन कर लेते हैं। टर्न ऑन विंडोज फीचर्स, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ ओपन करेंगे। यहाँ पर अपन को हाइपरविजन मिल जाना चाहिए, ये मिली अपना हाइपरविजन, तो ओके कर देंगे अपन। अब यहाँ पे आपको फिनिश कर देना। अब ये जो एग्जाम वाली सेटिंग होती है ये आपकी बायोस में होती है, तो बायोस में आपको ऑल कर लेना है। मैं फिनिश कर देता हूँ, ये ओके। सो ये चले गया अपना, अभी कस्टमाइज हो चुका है। अब मोर एक्शन पे जाते हैं, अपन यहाँ पे देखते हैं वर्चुअल डिवाइस मैनेजर को देखते हैं अपन पहले। सो पिक्सल 3A बना हुआ है यहाँ पे, और अपन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अगर चाहें तो, अलाउ कर देंगे ADB को। यहाँ से आप किस तरह का डिवाइस चाहिए वो आप बना सकते हैं, टीवी डिवाइस चाहिए, डेस्कटॉप, क्या सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे इनको बना के देता हूँ, क्रेटो बना देते हैं, क्लोन डिवाइस कर देते हैं, इसी के सेम स्पेसिफिकेशन जो होते हैं उस हिसाब से बना देंगे, मेरी सब कुछ सेम बना देंगे और फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से अब आप एंड्रॉइड वर्जन जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं, लॉलीपॉप से लेके आपके पास जो भी अभी तीरा मशू अपसाइड डाउन के तक के लिए ऑप्शन है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉइड 14 है ये, ये में भी एंड्रॉइड 14 होगा, इसमें भी कुछ कहना नहीं आ रहा। सो ये अपनी ऑलरेडी हुई है, इनको अपन को डाउनलोड करना पड़ता है, फिर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करके डाउनलोड कर। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये देख लिया अपन ने, इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा इमीडिएटली। आपका मेन काम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, SDK मैनेजर आता ही यहाँ पे, आपको पैकेजेस वगैरह रहते हैं जो भी आपको चाहिए होगी, SDK टूल्स जो भी डेवलपमेंट में काम में आते हैं। यहाँ से जैसे MDK आता है, अपना CMake आता है, और यहाँ से आपको USB ड्राइवर्स भी चाहिए होंगे तो USB ड्राइवर भी डाल सकते हैं अपन। एग्जाम इंस्टॉल हो चुका है, और भी अक्सर चीज आती है वो आप यहाँ से ओके करके अप्लाई करके हो जाती है, इंस्टॉल कर देंगे इंस्टॉल होने लगी, सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये इंस्टॉल होने लगी और ये फिनिश हो जाता है, ये फिनिश हो जाएगा, इसका फिनिश होने का वेट करते हैं। ओके सो ये कंप्लीट हो गया, फिनिश कर देंगे अपन। अब यहाँ से अपन नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी रख के बनाना चाहते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी वेयर ओएस के लिए डिजाइन करना है, टेलीविजन के लिए करना है, वो कर सकते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ, एप्लीकेशन का नाम, पैकेज का नाम, यहाँ पे मिनिमम जो आप रखना चाहते हैं SDK वो रख सकते हैं अपन। यहाँ से कॉटलिन चाहिए आपको, रूबी बिल्ड ग्रेडर रिकमेंडेड है कॉटलिन वाला, तो अपन उसी के साथ फिनिश कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये ग्रेडल बिल्ड अभी फेल नहीं होगा अगर ऐसे आप डाउनलोड करोगे, अपन वेट करते हैं इसको। ये अपना एंड्रॉइड ADB अपन ने और पहले चलाया था वो है, ये अभी 2GB रैम के लिए अलोकेट किया है, इसलिए ये थोड़ा इस तरह से चल रहा है। अब ज़्यादा मेमोरी अलोकेट करोगे तो उसे चलेगा नहीं, तो छोड़ते हैं अपन ये, इस पर फोकस करते हैं, बंद कर देते हैं।
सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेडल फेल नहीं होगा, लोगों के ग्रेडल का फेल होता है तो वो सही से इंस्टॉल नहीं करते। और इसको क्लोज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ये बिल्डिंग ग्रेड है। ओके सो ये बिल्ड हो रहा है, तब तक अपन एक और चीज़ देख लेते हैं। आपको आपके सी एम पी खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट सी एम पी लिख के और यहाँ पे लिखना है ए डी बी। अगर इस तरह का आता है तो आपको एक और चीज़ करनी है, आपको प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ सेट करना है ताकि सिस्टम वाइड हो जाता है। ये अंतर आएगा अपन ओवर कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, मेरा सिस्टम वैसे चल रहा है तो और टाइम लगेगा। हम यहाँ पे जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, एंड्रॉयड में जाते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे, प्लगइन्स में देखते हैं अपन प्लेटफॉर्म टूल से मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म इमेजेस छोड़ते हैं, अपने दूसरी कहीं से कुछ कर लेते हैं, उसको रहने देते हैं, ए डी बी चाहिए अपन। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाते हैं फिर से और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटफॉर्म। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे विंडोज के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड कर लेना है इसको। ये एक छोटी सी जिप डाउनलोड हो जाएगी, अब इस जिप को अपन को यहाँ पे करना है, ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा अपना, उसको देखते रहेंगे। इस जिप को अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिल जाएगा प्लेटफॉर्म टूल्स, ये इसको कट कर लेंगे और आपके सी ड्राइव में डाल देंगे। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसके एंड्रॉइड के स्टूडियो के अंदर भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर डाल देते हैं। ये डाल दिया, अब यहाँ पे जाना है, ये पाथ कॉपी कर लेना है, पाथ कॉपी करने के बाद क्लोज करेंगे, नीचे करेंगे। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, अभी काफ़ी टाइम लगता है, इसे सक्सेसफुल ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा तभी आपका मानना कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छे से डाल रखा है। तो अपन इसको होने देंगे, आप आएंगे अपन सेटिंग्स में, यहाँ पे जाएंगे सिस्टम्स में, यहाँ पे अपन जाएंगे अबाउट में, यहाँ पे आएगा आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल जाएंगे और यहाँ पर पाथ होगा यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल दोनों पाथ होते हैं। अपन पाथ में जाएंगे, एडिट करेंगे, न्यू करेंगे और पेस्ट कर देंगे जो अपने पाथ चुना था। इस तरह से इस वाले पर क्लिक करेंगे, सिस्टम वेरिएबल भी एडिट करेंगे, यहाँ पर न्यू पाथ और सिलेक्ट कर दिया, ठीक कर दिया, ओके कर दिया। इससे क्या हुआ, आपको सिस्टम वाइड ई डी बी मिल जाएगी। यहाँ पे अपन सी एम डी पे चेक करते हैं, अपन को ई डी बी मिली या नहीं, लिखते हैं ई डी बी और एंटर करते हैं और अपने को ई डी बी सिस्टम वाइड पे मिल जाएगी। ई डी बी सिस्टम वाइड का होने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो भी आपने एंड्रॉयड कनेक्ट करते हो, आप चेक करने के लिए एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वो आसानी से ले सकते हैं। बस ये अपना ग्रेडल बिल्डर रह गया है, इसको देख लेते हैं। ओके सो फाइनली हमारा ग्रेडल बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आए। अगर आपकी एरर आ जाती है कुछ, ये बिल्ड सक्सेसफुल, अगर आपको कुछ एरर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने सही से अभी डाला नहीं है। ये सारी चीज़ें डाउनलोड हुई, बिल्ड सक्सेसफुल, काफ़ी टाइम लगा बट सक्सेसफुल डल गया है एंड्रॉइड स्टूडियो अपना, सक्सेसफुल डल गया है। आप क्लोज कर देते हैं इसको, आप इसमें डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।